हाय फ्रेंड्स क्या हाल है आपका हो पाएगी आपका हाल अच्छा है कैसे हो oh, लाडलों दोस्तों आपने इंटरनेट और और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा होगा कि मतलब कई लोगों ने बोला है कि हमारे कल की अवतार चार लाख बत्तीस हज़ार साल बाद आएंगे तो आपके मतलब मन में इतनी बातें आ रही होंगी कि क्या क्या कल युग चालक हज़ार साल का है और अभी तो सिर्फ चार पाँच हज़ार साल ही हुए हैं क्या हमें इतने साल और वेट करना पड़ेगा हम तो अपनी उम्र में देख नहीं पाएंगे और जो हमारी दस बारह पंद्रह बीस पच्चीस जनरेशन बाद भी कोई चांस है नहीं उन्हें देखने का तो क्या ये तो कल की अवतार उस समय आएंगे जब बहुत पाप फट जाएगा क्या सुनो आज ही दुनिया में पाप है नहीं उनको आने का लिए कोई मतलब उनका काम है नहीं यहाँ पे तो ये इतने सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे तो मैं आज आपको इन प्रश्नस जो आपके मन में आ रहे हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर दूंगा दोस्तों हल्की अवतार जो मेरा अपना सुनो अध्ययन और जो मैंने उनके बारे में कई जगहों पर पढ़ा है वो मैंने ज़्यादातर जगह पढ़ा है कि ये जो कलयुग है ये चार लाख बत्तीस हज़ार साल का है और अभी सिर्फ पाँच हज़ार साल हुए हैं तो क्या अभी और वेट करना पड़ेगा दोस्तों इसका मैंने आंसर अपने पहले वीडियो में कई बार बताया है कि ये जो कलयुग है ये चार बत्तीस हज़ार साल का है पर हर पाँच पाँच हज़ार साल बाद भी कल की अवतार जैसे पावरफुल अवतार भी आते रहेंगे क्योंकि बीच बीच में भी पाप को मतलब हटाना है पर पाप जब इतना जब बढ़ जाएगा चार बत्तीस हजार साल बाद जब उन्होंनियाँ होंगी अधर्म अपने कर्म पर होगा और जो लोग बचाने वाले होते हैं वही मतलब हैवान वाले कब करेंगे उस समय कल की अवतार जो मतलब सबसे पावरफुल अवतार होंगे इसमिन इसमान सृष्टि के वो आएंगे और पाप को हटाएंगे और सत्य की स्थापना होगी दोस्तों आपने कई और वीडियोस में इंटरनेट पर तो देखा होगा कि मतलब कई लोग कह रहे हैं कि आगे मतलब कल की उधर आ गए हैं दोस्तों वो जो अवतार अपने आप को बोल रहे हैं वो सिर्फ एक खास एरिया के लिए होंगे या खास किसी एक मिनट मिनट एक ठहर के लिए होंगे पर जो चार चार हज़ार साल के बाद वाले अवतार हैं वो सारी मतलब सृष्टि सारे ब्रह्मांड के लिए होंगे ये एक फ़र्क है और दोस्तों जो आपने कई वीडियोज़ में दे और देखा होगा कि वो जब आएंगे उस समय भयंकर बारिश होगी या वो होगी वो वो मतलब एक मतलब ख़ास मतलब एरिया के लिए होगा एक खास जगह के लिए जहाँ पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा और सिर्फ उसी एक छोटे एरिया के लिए हर पाँच पाँच हज़ार साल बाद भी अवतार आते रहेंगे और दोस्तों ये जो अवतारी अवतारी शक्ति होती है ये किसी एक जगह के लिए मतलब होती नहीं है ऐट ए टाइम एक से ज़्यादा अवतार भी ऐट ए टाइम इस धरती पे मतलब आ सकते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब ऐट ए टाइम दो या तीन या उससे ज़्यादा भी कल अवतार जो कि सुनो हर पाँच पाँच हज़ार साल मतलब बाद वाले हैं मतलब वो भी आ सकते हैं पर वो अपने अपने एरियाज के लिए आएंगे होल परमांड वाले जो अवतार होंगे वो चार बत्तीस हज़ार साल के बाद आएंगे अब जो ये जो मतलब छोटे अवतार हैं इनका काम सिर्फ अपने एरिया में मतलब ताकि मतलब सीमित रहेगा ये सारे परमांड के लिए मतलब होंगे नहीं इसलिए आप मतलब यूट्यूब पे जो और वीडियो देखते होंगे जो लोग बोलते हैं कि वो लोग अवतार हैं वो सिर्फ अपने अपने मतलब ना लिए एरियाज के लिए हैं अपने अपने एक मतलब सर्कल के लिए हैं एक छोटे छोटे लेवल पे उनका काम है और बड़े लेवल के लिए चार बत्तीस हज़ार साल का हमको इंतज़्ट करना पड़ेगा अब दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतने लंबे समय तक हम तो जीवित होंगे नहीं दोस्तों आज का जो आज की दुनिया का जो पाप है वो अभी उस लेवल का है नहीं जो चार बत्तीस हज़ार मतलब साल के बाद जो अत्र होगा अभी भी दुनिया में पाप हो रहा है और कल के उतार अपने अपने जगहों पर मतलब आ रहे हैं उन्हें हटाने के लिए पर जो सबसे बड़ा पाप होगा बहुत बड़े बड़े पाप जो होंगे वो चार हजार साल तक ही आएंगे और उस समय इस संसार का सबसे पावरफुल अवतार जिसे अब कल्कि अवतार बोलते हैं वो अपने कदम वेज से बाहर आएंगे हिडन वो अपना काम करते रहेंगे और एक समय ऐसे आएगा जब उनको खुद सामने आना ही होगा और वो सामने आकर पापियों का संघार इस संसार के लिए करेंगे और उनमें ऐसी कौस्मिक शक्तियाँ खुद वैकुंठ धाम से हरि विष्णु होंगे उनके द्वारा उनमें आएंगी और पहले तो लोगों को तो लगेगा नहीं कि मत ना कि ये आदमी भी अवतार हो सकता है या ये आदमी भी अवतार है पर जैसे जैसे उनके काम आगे चलेंगे वो ये सारी मानवता सारे ब्रह्मांड को बता देंगे कि उनके अंदर ऐसी कॉस्मिक शक्तियाँ हैं जो कि पापी लोगों के अंदर से भी अच्छे काम करवा सकती हैं और ये अच्छे काम इस संसार के लिए होंगे और जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि उनके पास कुछ ऐसी मतलब तो अद्भुत आर्ट्स होंगी उन्हीं आर्ट्स से वो पापी लोगों से भी ये समाज के लिए अच्छे करवा पाएंगे और उनके पास सारी मिलिट्री एक्सेसरीज़ होंगी सारी मिलिट्री मतलब स्ट्रेटजीज होंगी पर वो एक पीस पसंदा इंसान होंगे इसीलिए वाली पुरुष को अपनी बातों से और अपने बुद्ध कौशल से भी उन्हें हरा देंगे दोस्तों ऐसा जो माना गया है कि कलयुग के अंदर जब पाप धीरे पड़ेगा, उस समय हर पाँच पाँच, पाँच हज़ार साल बाद एक से बढ़ के एक पावरफुल अवतार मतलब आते रहेंगे अब क्योंकि जब पाप बढ़ेगा तो मतलब उतने बड़ा अवतार भी चाहिए उस पाप को मतलब हटाने के लिए इसलिए जो मतलब कल पुरुष भी धीरे धीरे अपनी अपने पाप के काम पढ़ाता रहेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब चाल पत्तीस हजार साल बाद जो सबसे बड़ा पावरफुल मतलब तो कली पुरुष होगा वो जब कली कल की अवतार से हारेगा उस समय धरती पूरा पाप पाप खत्म हो जाएगा धर्म पे इस जगत पे धर्म की स्थापना होगी और मतलब कल की अवतार हमेशा हमेशा के लिए अपने कदम रूप को छोड़कर अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे और इस संसार को अच्छे कामों की एक, एक मदस्तली मतलब बनाएंगे और जहाँ मतलब मदस्तु में जैसे काम हो, मतलब होने चाहिए अच्छाई के काम एक दूसरे के लिए मतलब हेल्प वाले काम और मानवता वाले काम ये सब काम फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर कल की अवतार इस जगत के अंदर कुछ ऐसे मतलब कायदे कानून बना जाएंगे कि आने वाली कई पीढ़ियाँ और कई सदियों तक वो इस जगत पे पे मतलब मतलब गोलमेजक रहेगा और सारे लोग उस पे चलेंगे और प्रेम पूर्वक तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देंगे होपफुली आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो आप सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय